अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आयशा। आज मैं आप लोगों के लिए पिशावर की इतनी जबरदस्त और शानदार सी टमाटरों वाली चिकन कढ़ाई की ऐसी जबरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूं कि मेहमान घर आ जाए, आपको कुछ समझ न लगे क्या पकाया जाए, तो किचन में मौजूद चीजों से ही सिर्फ 10 मिनट में ये कढ़ाई बनके तैयार हो जाएगी और मेहमान भी रेसिपी पूछ के जाएंगे। इस शानदार और जबरदस्त सी कढ़ाई को बनाने के लिए सबसे पहले 1 kg के करीब हमने चिकन ले लेना है। चिकन अच्छे से हमने वॉश कर लिया हुआ है। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे। 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से 30 सेकंड के लिए अदरक लहसुन को भून लेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन जो है वो भुन जाए, इसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे। मुझे थोड़ा सा ये कम पसंद है इसलिए मैंने कम ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चिकन को डाल के अच्छे से इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चिकन जो है अपना कलर चेंज करेगा, ये बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इस चिकन की हमने यहाँ पे भुनाई कर लेनी है। चिकन अच्छे से जो है भुन चुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाते हैं जी टमाटर। तकरीबन 7 से 8 अदद मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे, इनका मैंने पेस्ट बना लिया। अगर फ्रिज के हैं, फ्रीजर में रखे हुए हैं, तो बहुत शानदार सा पेस्ट बनेगा। आप उनको अच्छे से ब्लेंडर जग में डाल के पीस लीजिएगा। पेस्ट को ऐड करेंगे, इस पेस्ट की हम इसके साथ चिकन के साथ भुनाई करेंगे। साथ ही जी यहाँ पर इसमें अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1/2 teaspoon चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 teaspoon, हल्दी 1/2 teaspoon के करीब, 1 teaspoon हम इसमें नमक ऐड करेंगे, खुश्क धनिए का पाउडर ऐड करेंगे और ये हमारे पास आ जाता है जी कड़ाही गोश्त का मसाला। आप लोग जो स्पाइसेस हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छे से इन स्पाइसेस को भी हमने इस पेस्ट के साथ चिकन के साथ ही भुनाई कर लेनी है और इसको कवर कर देना है 5 से 7 मिनट के लिए। इसको हमने कवर किए रखना है। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा होगा, उसी पानी में चिकन बहुत जबरदस्त सा गल जाएगा और इसकी यहाँ पे जबरदस्त सी भुनाई भी है ना, वो हो चुकी होगी। इसमें अब हम ग्रेवी थोड़ी सी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 cup के करीब, ये हमारे पास दही है। दही को आप लोगों ने ला के अच्छे से फेंट लेना है, फिर इसमें ऐड करिएगा। दही को डालते हुए चूल्हे का जो फ्लेम है ना वो आपने मीडियम कर देना है, ठीक है। बहुत क्रीमी फ्लेवर आएगा। दही भी यहाँ पे अपना पानी छोड़ेगी। इस पानी को हमने मीडियम फ्लेम पे करके अच्छे से खुश कर लेना है, कवर कर देना है ताकि चिकन हमारा मजीद गल जाए और जबरदस्त सा जो ऑयल है ना वो साइड पे हो जाए, मतलब अलग अलग हो जाए, ठीक है। यहाँ पर जी मजीद 5 से 7 मिनट लगे हैं, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह दही जो है बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो गया हुआ है। ग्रेवी भी हमारी बहुत कमाल की जो है वो तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त टमाटरों वाली पेशावर की मशहूर चिकन कढ़ाई जो है बनके तैयार है। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, डिश आउट करके दिखाते हैं। फाइनल लुक को आपने मिस नहीं करना। मैं आपको बताऊंगी ये किस किस के साथ अच्छी लगेगी और आपने इसको सर्व कैसे करना है। फाइनल लुक को मिस मत करिएगा। तो आप लोग इसे बनाइएगा, खाइएगा, इंजॉय करिएगा। आप इसे इंजॉय करें नान के साथ या फिर पराठे के साथ, ये हर तरह से बहुत टेस्टी लगने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल को आप लोगों ने आज सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।